यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने R9 टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जामिया में गोली चलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। केशव जी, आज किस तरह का कार्यक्रम था आज? आज गंगा यात्रा का चौथा दिन है और बिजनौर से चलने वाली यात्रा आज कन्नौज में यहाँ एक जनसभा के रूप में अभी आगे बिठूर तक जाना है और यात्रा को लेकर के जबरदस्त उत्साह है जनता के अंदर और यात्रा के उद्देश्यों की सफलता में हमें निश्चित तौर से लग रहा है समाज का जो सहयोग हम अपेक्षित तो उससे भी ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। लखनऊ में जो विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, रुकने का नाम ले रहा है, उस पर क्या देखें? कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, वो किराए के लोग हैं और जब तक इन विरोधियों के पास लूट का माल होगा तब तक लोग आते रहेंगे, जब इनका माल खत्म हो जाएगा तब गायब हो जाएगा। आज जामिया में एक युवक ने खुलेआम फायरिंग कर दी है, कुछ गोलियां चलाई हैं, उसके ऊपर जो चलाया होगा उसके खिलाफ कानूनन जो कार्रवाई होनी चाहिए होगी। मंत्री जी, कल आपके एक मंत्री जी ने बोला था कि जो कारागार मंत्रियों ने बोला था कि शिक्षा जरूरी नहीं है मंत्रियों के लिए, क्या ऐसा बयान उनको देना चाहिए? मुझे नहीं लगता किस परिपेक्ष में उन्होंने दिया है, उसका क्या पर्पज था, क्यों दिया है, लेकिन क्या बयान है जब तक मैं देख न लूँ उस पर कोई प्रतिक्रिया देना जल्दीबाजी।